कई बार आप इस तरह से कहते हैं, जहां तक मुझे याद है घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता। या फिर आप कहते हैं, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी शादी करीब आ रही है। या फिर आप बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं झेली। क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं? गाइस, इस तरह के सेंटेंसों को बोलने के लिए आप एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, वो है एज फार एज आई रिमेम्बर। एज फार एज आई रिमेम्बर, जिसका मतलब होता है जहां तक मुझे याद है। इस स्ट्रक्चर के बाद आप आगे अपना सेंटेंस बोलते हैं। आइए एक एक करके 15 एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन 15 सेंटेंस को मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, जहां तक मुझे याद है कल रात मुझे गहरी नींद आई। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, सबसे पहले आप बोलते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर, जिसका मतलब होता है जहां तक मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेम्बर आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। एज फार एज आई रिमेम्बर आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। यहां पर साउंड स्लीप, इसका क्या मतलब है? यानी कि गहरी नींद आना, नींद में खो जाना, नींद में डूब जाना। सेंटेंस नंबर 2, जहां तक मुझे याद है कल रात मुझे नींद नहीं आई। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर आई डिड नॉट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट। एज फार एज आई रिमेम्बर आई डिड नॉट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट। सेंटेंस नंबर 3, जहां तक मुझे याद है वह अभी अभी बाहर गया है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर ही हैज जस्ट गॉन आउट। एज फार एज आई रिमेम्बर ही हैज जस्ट गॉन आउट। सेंटेंस नंबर 4, जहां तक मुझे याद है उसने मुझे झूठे केस में फंसाया। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले आप बोलते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, उसके बाद आप अपना सेंटेंस बोलते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर ही इम्प्लीकेटेड मी इन फॉल्स केस। एज फार एज आई रिमेम्बर ही इम्प्लीकेटेड मी इन फॉल्स केस। यहां पर इम्प्लीकेट, इसका मतलब है फंसाना, झूठे केस में फंसाना। सेंटेंस नंबर 5, जहां तक मुझे याद है मैं सुबह से घर से निकला हूं। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। एज फार एज आई रिमेम्बर आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 6, जहां तक मुझे याद है मैंने पार्टी में कुछ नहीं खाया। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर आई डिड नॉट ईट एनीथिंग इन अ पार्टी। एज फार एज आई रिमेम्बर आई डिड नॉट ईट एनीथिंग इन अ पार्टी। सेंटेंस नंबर 7, जहां तक मुझे याद है वह मन लगाकर पढ़ता है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन स्टडी। एज फार एज आई रिमेम्बर ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन स्टडी। जहां तक मुझे याद है वह मन लगाकर पढ़ता है। सेंटेंस नंबर 8, जहां तक मुझे याद है कहीं कुछ गलती जरूर है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर देयर मस्ट बी मिस्टेक समवेयर। एज फार एज आई रिमेम्बर देयर मस्ट बी मिस्टेक समवेयर। सेंटेंस नंबर 9, जहां तक मुझे याद है घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं एज फार एज आई रिमेम्बर एरोगेंस कैन नेवर करेज मी। एज फार एज आई रिमेम्बर एरोगेंस कैन नेवर करेज मी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान रखिए, CARES, करेस, जिसका मतलब है छूना। अब आपके सामने मैं दूसरा एक वर्ड रखता हूं जो है TOUCH, टच, इसका मतलब भी छूना होता है। देखिए दोनों में कितना फर्क है। टच का मतलब होता है फिजिकली जब आप किसी चीज को छूते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि मैंने मार्कर को छू लिया, यानी कि मार्कर को पकड़ा हुआ है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको फिजिकली छुआ है। लेकिन CARES, करेस का मतलब होता है नॉन फिजिकली टच, यानी कि जहां पर आप किसी चीज को महसूस करके नहीं छूते हैं, ठीक है। जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं जहां तक मुझे याद है घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता, तो क्या घमंड मुझे इस तरह से छू रहा है पकड़ के? नहीं ना, एक मैं तो उसको नॉन फिजिकल टच कर रहा हूं, तो इसलिए आप वहां पर इस तरह के सेंस में करेस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस नंबर 10, जहां तक मुझे याद है तुम्हारी शादी करीब आ रही है। एज फार एज आई रिमेम्बर योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। एज फार एज आई रिमेम्बर योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। सेंटेंस नंबर 11, जहां तक मुझे याद है जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस सेंटेंस
सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर एट द टाइम ऑफ नीड द डोंकी हैज टू मेक अ फादर, एज फार एज आई रिमेंबर एट द टाइम ऑफ नीड द डोंकी हैज टू मेक अ फादर। सेंटेंस नंबर 12, जहां तक मुझे याद है इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं झेली, एज फार एज आई रिमेंबर आई हैव नेवर हैंडल्ड सो मच डिसरेस्पेक्ट एट वंस इन लाइफ। सेंटेंस नंबर 13, जहां तक मुझे याद है वह मेरे पास क्या मुंह लेकर आएगा, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर ही विल कम टू मी विद व्हाट फेस, एज फार एज आई रिमेंबर ही विल कम टू मी विद व्हाट फेस। सेंटेंस नंबर 14, जहां तक मुझे याद है जब टीचर क्लास से चली गई तो छात्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर द स्टूडेंट स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर लेफ्ट द क्लास, एज फार एज आई रिमेंबर द स्टूडेंट्स स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर लेफ्ट द क्लास। सेंटेंस नंबर 15, जहां तक मुझे याद है मैं इंटरव्यू में बिना तैयारी के गया, इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड, एज फार एज आई रिमेंबर आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड, ओ डबल एफ एच ए एन डी, इसका क्या मतलब है, ऑफ हैंड ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बिना तैयारी के जाना। सो एवरीवन, ये थी आज की स्ट्रक्चर एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर की हेल्प से 15 सेंटेंसेस आपके साथ मैंने शेयर करे, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां तक मुझे याद है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बोलनी है एज फार एज आई रिमेंबर, उसके बाद आपको अपना सेंटेंस बोलना है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा तो इसको लाइक करिए और कम से कम अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में किसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।